Welcome you all in the Bagdiya Bal Vidya Niketan online classes. In last video, we read about function and rules for writing a function in chapter number 4. The next topic is some common functions. In this topic, we are discuss on some Excel predefined function. The first is AutoSum. The AutoSum is used to add the value in a cell range and display the total in the cell below the selected range. AutoSum क्या करेगा? आपकी किसी भी cell range है, उनकी value को क्या करेगा? Sum करेगा. और साथ ही साथ में उसका जो answer होगा, वो कहाँ पे show करेगा? जो भी आपने cell range select कर रखी है, उसके नीचे show करेगा. तो अपन देखते हैं इसका अपन use कैसे करते हैं. तो अपन मैं यहाँ पे clear content कर लेता हूँ पहले से. यहाँ पर अपन कुछ values है, वो insert करते हैं. और यहाँ पे अपन को इनका क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है. तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको सीधा सम आप कैलकुलेट करते हो, तो आप सीधा आप यहाँ पे फॉर्मूला इंटर करते हो और देन रेंज को सेलेक्ट करते हो और देन आप क्या करते हो, ब्रैकेट क्लोज और देन इंटर, तो आपका आंसर आता है. आप इसको ऑटो सम के थ्रू भी कर सकते हो. ऑटो सम ये कहता है कि आपको फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिकली आपका इंसर्ट हो जाएगा. आपको सीधा ऑटो सम पे क्लिक करना है, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. यहाँ पे अपन कहते हैं सम और ऑटो सम में डिफरेंस क्या होता है. तो अपन ये कहते हैं कि ऑटो सम है, वो एक सीक्वेंस पे काम करता है कि आपकी रेंज अगर एक सीक्वेंस के अंदर आती है, जहाँ पे आपके ब्लैंक सेल बीच में नहीं आते हैं, तो वहाँ पे तो आपका काम करता है ऑटो सम. ये आपकी रेंज को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा. और यहाँ पे बात करें अपन सम की, तो सम आप एक से ज़्यादा रेंज भी ले सकते हो. और यहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके सेल है, जो सेल रेंज आपकी है, उसके अंदर ब्लैंक सेल हो या ना हो. इट मीन्स कि जहाँ पे अपन एक सीक्वेंस के अंदर वैल्यू, उनको अगर आपको सम करना है, तो आप ऑटो सम का यूज करें. और इसके अलावा आपकी रेंज एक से ज़्यादा हो सकती है, फिर बीच के अंदर आपने सेल को ब्लैंक कर रखा है, तो अपन किसका यूज करेंगे, सम का करेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया सम का यूज करना, वैसे अपन ऑटो सम की बात करेंगे. तो ऑटो सम में अपन ने सेल पर क्लिक करा और देन क्लिक ऑन ऑटो सम. ऑटो सम ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपके होम टैब के ऊपर, जो लास्ट का आपका एडिटिंग ग्रुप मिलता है. देख पा रहे हैं आप, एडिटिंग ग्रुप है, यहाँ पे आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा. ऑटो सम यहाँ पे सिग्मा का साइन है, इसका आपको शॉर्टकट भी आप एल्टर प्लस इक्वल साइन यूज कर सकते हैं. तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट हो रहा है, और ये रेंज सेल रेंज है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम है, वो ले रहा है. तो जैसे मैं इंटर करता हूँ, तो अपना आंसर आ जाता है यहाँ पे 25. तो ये था अपना ऑटो सम. नेक्स्ट इज एवरेज. द एवरेज फंक्शन इन एक्सेल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर. ये क्या करेगा, एवरेज आपका शो करेगा. एवरेज मीन्स यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है. तो कैसे अपन इसका एवरेज निकालेंगे, तो अपन कहते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख रखी है 3, 4, 5, 6, 7. अगर जनरली मैं इसका एवरेज कहूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 5 है इसका एवरेज नंबर होता है. कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, देन इक्वल ए वी ई आर ए जी एवरेज, ओपन पैरेंथेसिस, सेलेक्ट द रेंज, रेंज इज E5 to E9, देन क्लोज पैरेंथेसिस और क्लिक ऑन इंटर. देन आप इंटरप्रेस करोगे, या फिर यहाँ पे क्या करोगे आप अपना जो सॉरी इंटरप्रेस करके आप जैसे अपना आंसर देखते हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है. तो इट मीन्स ये क्या करेगा, अपना अर्थमेटिक मीन निकालेगा या फिर एवरेज आपका शो करेगा. नेक्स्ट इज मैक्सिमम. द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर. इट मीन्स एक पर्टिकुलर सेल रेंज के अंदर आपने बहुत सारे नंबर इंसर्ट कर रखे हैं, उसमें से जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा, वो कौन शो करेगा, मैक्स फंक्शन शो करेगा. तो अपन ये कहते हैं कि सपोज दैट अपनी ये रेंज है, या फिर अपनी ये रेंज है, इसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर शो करना है, तो अपन क्या करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैक्सिमम फंक्शन है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं मैक्स, सॉरी मैक्स. और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करते हैं. अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 25. तो आंसर क्या आना चाहिए अपना, 25. जैसे अपन इंटर करते हैं, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 25. नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है मिनिमम. द मिनिमम फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी रिटर्न कैसे करेगा, तो अपन ये कहते हैं इक्वल, देन यहाँ पे अपन लिखेंगे MIN मिनिमम, और देन आप क्या करोगे, पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे अपन जैसे इंटर करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा. इट मीन्स आपका 2 है, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. तो आप देख पा रहे हैं अपनी ये रेंज थी, इसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है. नेक्स्ट इज काउंट. द काउंट फंक्शन
काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर्स, इट मीन्स आपकी सेल रेंज के अंदर आपके उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिस सेल ने न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन कर रखी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, इट मीन्स अगर कोई अल्फाबेट वैल्यू है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो देखते हैं अपन कैसे। सपोज दैट कि अपने पास ये एक रेंज है, यहाँ पे मैंने लिख दिया राम, और नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बीबी बीएन। अब अगर अपन काउंट फंक्शन का यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज बनती है C4 to C11, इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो अपन क्या करें, इक्वल साइन एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे अपन यूज करते हैं काउंट और पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज इस सेल ने कंटेन कर रखा है उसी को काउंट करेगा। इट मीन्स ये राम और बीबीवीएन को यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ। जैसे इंटरप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 6 आता है। आप यहाँ पे इस रेंज के अंदर देख पा रहे हैं कि ओनली 6 सेल ऐसे हैं जिसने न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन कर रखी है, बाकी 2 सेल ऐसे हैं आपके जिसने अल्फाबेट वैल्यू ले रखी है। तो काउंट किसको काउंट करेगा, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू जिस सेल ने कंटेन कर रखी है उसी को काउंट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज एलसीएम। LCM फंक्शन रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स, इट मीन्स ये क्या करेगा, आपका LCM प्रोवाइड करेगा। अगर आपने 6th क्लास में LCM पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, या फिर अपन ये कहते हैं कि द LCM फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल सप्लाइड नंबर, जितने भी आपने नंबर सप्लाई करे हैं उसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो आपको ये क्या करेगा, शो करेगा जो भी मल्टीपल में आता हो। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल अपन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन देन एलसीएम और देन यहाँ पे मैंने कर दिया 25, एक वैल्यू अपन ले लेते हैं 40। अब अगर इन दोनों का दोनों के मल्टीपल में देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर आता है वो क्या आता है, 200 आता है। तो जैसे अपन इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। तो अपन को ये क्या करेगा, एलसीएम प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज जीसीडी। द जीसीडी एक्सेल जीसीडी फंक्शन रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू और मोर इंटीजर, ये क्या करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स अपन ये कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट गोज इनटू ऑल सप्लाइड नंबर विदाउट ए रिमाइंडर। इट मीन्स कि अपन जितने भी जो आपके नंबर अपन सप्लाई करते हैं उसमें से ये क्या करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर शो करेगा। तो देखते हैं अपन कैसे। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल देन यहाँ पे जीसीडी और यहाँ पे अपन कोई भी वैल्यू 2 वैल्यू ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 6 और 36, ये अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इंटर कर पा रहे हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका 12 आ रहा है। इट मीन्स अपन ये कहते हैं कि ये अपन को क्या देगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, कि दोनों का जो आपका डिवाइडेशन है वो उस वैल्यू में होगा और वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो अपना आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, तो ये थे अपने कुछ फंक्शंस।